हेलो दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरफराज भाई में। तो दोस्तों, आज का वीडियो बिकॉज बिल्कुल स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज TVS की दो बाइक है हमारे पास और दोनों का मैं कंपैरिजन करने वाला हूं और दोनों का फीचर भी बताने वाला हूं और कौन सी बाइक आप लें, आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट है माइलेज को लेकर और ऑन रोड प्राइस को लेकर क्या क्या प्राइस आपका पड़ेगा। चलिए हम दोस्तों सबसे पहले TVS रिरोन की बात करते हैं और दोनों बाइकों में हम कंपैरिजन करने वाले हैं। आपको वीडियो में सारा कुछ जानकारी मिलेगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे शोरूम वगैरह फिलहाल अभी बन रहा है, ये न्यू शोरूम खुला है और यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं, जिसके कारण ये दोनों बाइक अंदर में था और काफ़ी डस्ट इसमें पड़ गया था, काफ़ी धूल मिट्टी पड़ गया था, तो जिसके कारण हमने इस दोनों बाइकों को क्लीन किया है, वॉश किया है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले इसके हम फ्रंट से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं TVS रिरोन है एक तरफ TVS स्पोर्ट है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। TVS रिरोन में आपको 2.75/18 को टायर मिलता है और TVS स्पोर्ट में आपको 2.75/17 का टायर मिलता है और एलो व्हील्स आपको सेम मिलता है और दोनों बाइक में आपको कॉम्बी ब्रेक मिलता है। फिलहाल अभी इसमें डिस्क ब्रेक नहीं देखने को मिला है, वो भी कंपनी बहुत जल्द लाएगी। और आप देख सकते हैं मडगार्ड में आपको TVS रिरोन का कुछ अलग प्रकार से देखने को मिलता है और TVS स्पोर्ट में कुछ अलग, यहाँ पे मडगार्ड में हल्का डिफरेंस मिला है। और हेडलाइट की बात की जाए तो इसमें भी हेलोजन आपको मिलता है, DRL अभी फिलहाल इसमें नहीं है, लेकिन TVS स्पोर्ट में भैया आपको DRL भी मिलता है, DRL लाइट आपको मिलता है दोनों बगल में और हेलोजन भी मिलता है, इंडिकेटर भी आपको सेम मिलता है। अब बात करते हैं मीटर कंसोल की। मीटर कंसोल आप देख सकते हैं TVS ब्रांडिंग का यहाँ हॉर्स का लोगो लगा हुआ है और बाकी सेम आपको मिलता है, किलोमीटर आपको डिजिटल इसमें नहीं मिलता है। और यहाँ पे इंडिकेटर का सिग्नल और नेटवर्क का सिग्नल, चेक इंजन लाइट का सिग्नल, साइड स्टैंड का सिग्नल, सारा फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और आ जाते हैं TVS स्पोर्ट में, यहाँ भी आपको सेम मिलता है किलोमीटर कांटा वाला और नेटवर्क लाइट का सिग्नल, लाइट का सिग्नल, इंडिकेटर का और चेक इंजन लाइट का सिग्नल, भैया सब कुछ इसमें भी सेम फीचर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं चेक इंजन लाइट का सिग्नल यहाँ पे दिया है। और अब बात करते हैं इसके हेलन बार का, तो हेलन बार में भी बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर TVS रिरोन का हेलन बार आपको थोड़ा से लॉन्ग मिलेगा और इसमें थोड़ा सा आपको शॉर्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें आपका TVS स्पोर्ट में आपका शॉर्ट इसमें मिलता है। और टैंकी की बात की जाती है, ये भी आप में 10 लीटर इसमें भी आपका फ्यूल अटेगा, इसमें भी आपको 10 लीटर का फ्यूल अटेगा। और लॉक यहाँ पर इग्निशन में थोड़ा से डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इग्निशन का लॉक जो है वो इग्निशन स्विच का सेम है, लेकिन टैंकी का जो लॉक है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। और यहाँ पर सीट की बात की जाए तो सीट और ग्रेबरेल आप देख सकते हैं TVS रिरोन का काफ़ी बेस्ट है, यहाँ पे आप सामान वगैरह लोड कर सकते हैं। जो रियर का जो ग्रेबरेल है काफ़ी बेस्ट है और इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट मिल जाता है TVS स्पोर्ट में, बट इसमें भी आप 3 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, इसमें भी आप 3 आदमी आराम से सफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंजन का, तो इसमें भी आपको 110 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो TVS स्पोर्ट है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और जो बगल में आप TVS रिरोन देख रहे हैं इसमें भी आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, क्योंकि TVS कंपनी ने अब 100 सीसी का बाइक बनाना छोड़ दिया है, बिल्कुल 100 सीसी का बाइक TVS में अब नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आपको TVS रिरोन में एक थैला वगैरह टांगने का यहाँ पर एक दिया सिस्टम दिया है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। और TVS स्पोर्ट में ये चीज़ देखने को नहीं मिलता है, बाकी सेल्फ और किक दोनों में स्टार्ट आपको मिलता है। TVS रिरोन में भी आपको सेल्फ की स्टार्ट मिलता है और आपको सिंगल सेंसर के साथ इसमें मिलता है। और रियर की बात हम कर लें तो रियर में भी आपको 3.00/18 का TVS रिरोन में टायर मिलता है और इसमें भी 1 पॉइंट कम, यानी 3.00/17 का आपको TVS स्पोर्ट में आपको टायर मिल जाता है। और रियर का मडगार्ड आपको फाइबर में मिलता है और नंबर प्लेट में आपको यहाँ पर पत्ती मिल जाता है अपाची वाला, जो कि अपाची में ये पत्ती देखने को मिलता है। और TVS रिरोन में आपको स्पेशल अलग से पत्ती यहाँ पे नहीं दिया है, इसमें फाइबर के ही साथ इसको ज्वाइन करके नंबर प्लेट लगाने का यहाँ पे कनेक्शन दिया है। और इंडिकेटर आपको सेम मिल जाता है हेलोजन जिस तरह से दोनों बाइकों में, लेकिन यहाँ पे लुक की बात की जाए तो कुछ ही अलग टाइप से लुक है, क्योंकि इसमें पन्नी है तो आपको दिखा दूँ। TVS रिरोन में इंडिकेटर का लुक कुछ अलग है और TVS स्पोर्ट में इंडिकेटर का लुक बिल्कुल अलग है। और सारी गार्ड वगैरह अभी फिलहाल इसमें नहीं लगा है, सारी गार्ड आपको दोनों बाइक में मिलता है बाइक के ही साथ। और शॉकर में कंपैरिजन थोड़ा सा कर लें तो शॉकर में भी आप इसमें 5 एडजस्टेबल इसमें मिल जाता है और सेम आपको TVS रिरोन में भी डबल शॉकर के साथ रियर में 5 एडजस्टेबल शॉकर मिल जाता है। अब बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज TVS स्पोर्ट में कुछ ज़्यादा माइलेज आपको मिलता है, 70+ माइलेज मिलता है, इसमें आपको 65+ का माइलेज देखने को मिलेगा। आप कहेंगे भाई ऐसा क्यों, तो ये एक सर्विस होने के बाद इसमें भी काफ़ी बेस्ट माइलेज है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं दोनों की ऑन रोड प्राइस, जो सबसे पॉइंट की बात है, जो कि मैंने वीडियो ये थंबनेल में दिखाया है, मैंने वीडियो के थंबनेल में कि ऑन रोड प्राइस कितना कितना है। तो ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर TVS रीडॉन, इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको 81 से 82 हज़ार रुपया तक, और TVS स्पोर्ट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 72 हज़ार रुपया। इस के अगर हम कहा जाएं कि ये चीप एंड बेस्ट ये बाइक TVS स्पोर्ट सबसे ज़्यादा माइलेज वाली बाइक है, और सबसे कम दाम में 110 cc का इंजन, अगर आप स्प्लेंडर वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें आपको 83 से 84 हज़ार रुपया स्प्लेंडर का पड़ जाएगा, लेकिन TVS रीडॉन आपको 72 हज़ार में ऑन रोड प्राइस फुल एसेसरीज के साथ मिलता है, और 110 cc का इसमें इंजन मिलता है, और स्प्लेंडर में आपको 100 cc का इंजन मिलता है, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन बात है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको बिल्कुल कुछ सीखने को मिला है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि न्यू बाइक से रिलेटेड हम इस चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।